वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल। तो देखो तो आपण मानकर जो ऑस्टेट रो इंग्लिश रो क्लासेस चालू थला आज होची क्लास नंबर 3 जोटे हमें प्रीवियस ईयर क्वेश्चन रो कंप्लीट सेट एनालिसिस करिवो केमिति कोन क्वेश्चन आसला और तारो डिटेल एक्सप्लेनेशन भी करिवो। ठीक अछि तो देखो तो देरी न करी स्टार्ट करिवा फर्स्ट क्वेश्चन बा 20 नंबर 21 अछि द वर्ड डेप इज प्रोनाउंसेस वर्ड डेप को हमें केमिति प्रोनाउंस करिवा ऑप्शन ए रे होची डीईआईटी ऑप्शन बी रे होची डीईटी ऑप्शन सी रे होची डीएआईटी ऑप्शन डी रे होची डीईबीटी। तो यार करेक्ट आंसर कौन हो डीईटी डेट। ठीक अछि नेक्स्ट देखो 22 नंबर लिखा है जी व्हिच लेटर इज साइलेंट इन ऑटम तले ऑटम रे को लेटरटा साइलेंट अछि एमती भी प्रोनाउंसिएशन जाना पड़ुछि ऑप्शन ए होची एम एन टी आउ ए तले कौन हो एन रो साइलेंट होची। ठीक अछि स्पेलिंग होची ऑटम माने प्रोनाउंसिएशन वाले। ठीक अछि साइलेंट एन रहइबो। नेक्स्ट देखो 23 कौन अछि लिखा है जी इट ब्लैंक अछि सिंस 8 ओक्लॉक इन द मॉर्निंग फिलिंग द ब्लैंक्स विद द करेक्ट अल्टरनेटिव। फर्स्ट ऑप्शन अछि इज रेनिंग सेकंड रे अछि हैड रेन सी रे अछि हैज बीन रेनिंग डी रे अछि रेन। तो ध्यान रखंतु जेतेबेले भी आपनकर सीन्स आपन देखिबे सेटा प्रेजेंट हो या पास्ट हो परफेक्ट रे रहइबो या परफेक्ट कंटीन्यूअस रे रहइबो परफेक्ट रहइबो नले परफेक्ट कंटीन्यूअस रे रहइबो। तो देखंतु परफेक्ट परफेक्ट कंटीन्यूअस रे दीटा ऑप्शन अछि हैज हैव वाला बी आउ सी आपनकर ए आउ डी एमिति भी एलिमिनेट हे गला। तापर देखंतु हेड रेन माने वर्षा हे सटला ए टाइप रो तो एटी कोन हो इट हैज बीन रेनिंग माने वर्षा हेउ अछि हेई आसु अछि माने मॉर्निंग पाखरु। तो बेटर हो चॉइस कोन हो प्रेजेंट रो परफेक्ट कंटीन्यूअस तले कोन हो इट हैज बीन रेनिंग सिंस 8 ओक्लॉक इन द मॉर्निंग ताने मॉर्निंग रु वर्षा हेई आसु अछि। ठीक अछि नेक्स्ट देखंतु 24 लेखा छि व्हिच इज द करेक्ट प्रोनाउंसिएशन ऑफ पास्ट पास्ट रो करेक्ट प्रोनाउंसिएशन कोटा तले ध्यान दियो तो फर्स्ट ऑप्शन अछि पीएसटी ए सिंबल डा अछि देखंतु पीए एस टी पी ए डबल एस डी पी ए एस डबल टी। तो यार करेक्ट आंसर होची पी ए एस टी। ठीक अछि नेक्स्ट देखो 25 लिखा है द प्रिंसिपल एंड सेक्रेटरी प्लांक होची प्रेजेंट एट द मीटिंग यस्टरडे। तो यस्टरडे लागिछि तो ध्यान दियंतु जेतेबेले मन रखंतु जेतेबेले गोटे आर्टिकल द थाए दीटा सब्जेक्ट को बुझौता है सब्जेक्ट 1 सब्जेक्ट 2 तापर दीटा सब्जेक्ट माने माने दीटा सब्जेक्ट रो लिखा हिता है ताले ध्यान दियो तो एमन को हमें यूनाइटेड बाकी जणे पर्सन को कंसीडर करबा हिसाब रे हमें यूज करू सिंगुलर हेल्पिंग वर्ब। यदि सेपरेट द लागी थांदा दीटा रे तो प्लुरल लागी थांदा सपोज हबो तो फर्स्ट ता पूर्वर भी द लागी छी आ सेकंड पूर्वर भी द लागी छी दीटा सब्जेक्ट पूर्वर द लागी छी ताले वर्ब कोन आस्थांदा प्लुरल हेल्पिंग वर्ब माने अलग अलग लोक जते बेले मु प्रिंसिपल आ सेक्रेटरी कहू छी ताले के जणे लोक कोन पई गोटे आर्टिकल लागी छी ताले सिंगुलर आसीबो सिंगुलर वाज अछि आ कोन अछि इज अछि हेड होबनी कोन पई हेड परे भीतरी नै परफेक्ट रे नै नॉर्मल सेंटेंस अछि। तो यस्टरडे लागि छि माने हमरो पास्ट रे अछि पास्ट माने बेस्ट चॉइस कोन बो वाज। ठीक अछि आई होप आपण माने बुझि पारतुबे यदि न बुझि पारतुबे ताले कमेंट सेक्शन रे जणैबे कोन किसो असुविधा होछि हला। नेक्स्ट देखंतु 26 लेखाइ छि इफ ही स्टडीड हार्ड ही ब्लैंक अछि द फर्स्ट डिविजन कंप्लीट द सेंटेंस चूजिंग द करेक्ट अल्टरनेटिव ऑप्शन अछि विल सिक्योर बी रे अछि विल हैव सिक्योर्ड वुड हैव सिक्योर्ड वुड सिक्योर। तो कंडीशनल गोटे रूल अछि इफ प्लस सब्जेक्ट प्लस वी टू यदि कंडीशनल सेंटेंस रे थिबो बा इफ क्लोज रे थिबो मेन क्लोज रे हेला बेले सब्जेक्ट प्लस शुड या वुड प्लस वी वन हबो। तो शुड वुड प्लस वी वन कोठी अछि देखिबा देखो तो वुड रो दीटा चॉइस एटी वुड नाही विल अछि कटि गला तो वुड रो दीटा चॉइस रु वुड प्लस वी वन एट रे अछि कोन हबो वुड प्लस वी वन तले वुड सिक्योर तले इफ ही स्टडीड हार्ड ही वुड सिक्योर द फर्स्ट डिविजन। जदि आपण माने कंडीशनल कंडीशनल बा कोस ए टाइप रो क्वेश्चन रो जदि किछि डाउट थिवो कि आपण को क्लासेस दरकार स्टेट पई तले कमेंट सेक्शन रे जणैबे मु आपण को या पई गोटे शॉर्ट वीडियो आपण को प्रोवाइड करबि। ठीक अछि नेक्स्ट देखिबा 27 अछि देखंतु लेखा छि ही पेड द ड्यूज ब्लैंक अछि चेक प्रीपोजिशन लगेबे सुइटेबल ऑप्शन अछि इन बाय ऑन विथ। तो मने रखंतु चेक पाखरे बाय रो यूज हुए ही पेड द ड्यूज बाय चेक। ठीक अछि नेक्स्ट
28 लिखा है दे मेड हर चेयरमैन ऑफ द कमिटी या को चेंज करिबे चेंज इनटू पैसिव वॉइस तो पैसिव रे कोले कोन करियो मन रखंतो एटा सब्जेक्ट एटा भार एटा ऑब्जेक्ट ताले पैसिव कोला बडे आगो ऑब्जेक्ट ता सब्जेक्ट होबो माने ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट करिबे ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट करंतो आगो ताले ऑब्जेक्ट हार अछि सब्जेक्ट हले सी होबो ताले सी एटी अछि एटी अछि आ एटी अछि तीनटा एटा एलिमिनेट हे गला नेक्स्ट देखंतो एटा पास्ट टेंस रे अछि माने माने मेड टा मेक रो पास्ट टेंस मेड तो पास्ट रे आसीबो तो प्रेजेंट रो ऑप्शन होबोनी एटा एलिमिनेट हेला पास्ट रे दीटा ऑप्शन होची एटा गुटे सेटा हेला परे नेक्स्ट होची मेन भार एटा मेन भार तारो भी3 करते पड़िबो भी3 माने मेड रहिबो तो एटी हे होची एटी नाही एटा एलिमिनेट हेला एटा होची आपनकर करेक्ट आंसर सी वाज मेड चेयरमैन ऑफ द कमिटी ठीक अछि नेक्स्ट देखंतु 29 ही टर्न ब्लैंक होची माय प्रपोजल से मोर प्रपोजल टा को रिजेक्ट कला तले रिजेक्ट टाइप रो मीनिंग आसी तले रिजेक्ट रो मीनिंग आसले कोन हबो टर्न डाउन रो मीनिंग होची रिजेक्ट टर्न डाउन टर्न आउट टर्न डाउन टर्न ऑफ रु कोन हबो टर्न डाउन माने रिजेक्ट करबा ठीक अछि नेक्स्ट देखो तो 30 लिखा छि द डाइट इज ब्लैंक होची इन कैल्शियम डेफिशिएंट डेफिशिएंसी डेफिसिट डेफिशिएंटली तो आपनकर करेक्ट आंसर हबो डेफिशिएंट तो आपण माने 21 रु 30 जाय माने 10 टा हमर क्वेश्चन आपण माने क्लियर हेतबे नेक्स्ट देखंतु पैसेज तो पैसेज आगो भल से बुझिबा तापर गोटे गोटे सॉल्व करिवे क्वेश्चन फर्स्ट देखंतु ताले पैसेज रे होची ईट द राइट अमाउंट ऑफ द राइट फूड एट द राइट टाइम इज अ फूड रूल फॉर एवरीबॉडी ताले बुझी बुझी जीवा ताले ठीक टाइम रे जदी ठीक अमाउंट रे अपन फूड कंज्यूम करथुबे बा नउथुबे ताले एटा होची फूड रो रूल समस्त पई ठीक अछि दोज हु फॉलो इट यूजुअली नोटिस द बेनिफिट ऑफ ग्रेटर फिजिकल एंड मेंटल एफिशिएंसी एंड मोर स्टामिना एंड विगर ताले अपन देखिथुबे जो लोक माने एई जिनिस को फॉलो करोंती बा फूड रूल को फॉलो करोंती ताले समान को पाखरे बहुत बेनिफिट देखा जाय तंकर फिजिकल हेल्थ भलो मेंटल हेल्थ स्टामिना ऑफ विगर विगर माने जे फिजिकली स्ट्रांग ठीक अछि बा गुड हेल्थ vigor they add year to their life as well as vitality of their year tale kon se mane tanko life re mane tankor life span bi badhei paranti mane adhika din rahi paribe exist kari paribe plus kon tankor life ta bi adhika age hei gole bi se mane mane bhalo condition re thanti hela next dekhu kon achi our body is the most wonderful engine of all tale ei somosto pai body ta ko amaro gote engine hisab re consider kara hai chi बिकज इट बिल्ड्स एंड रिपेयर इटसेल्फ आप जानते हैं बॉडी आम सबकि विटामिन मिनरल वे आप सबकि बॉडी रो ग्रोथ डेवलपमेंट हुए किसी पार्ट रिपेयर भी हुए नेक्स्ट देखते कौन अच्छी इट नीड्स फ्यूएल लुब्रिकेंट एंड अदर मटेरियल व्हिच वी कॉल फूड और न्यूट्रिशन ताले जदि आप बॉडी टाक गोटे इंजिन हिसाब से कनसीडर करूँ ताले ध्यान रखु इंजिन को जमी फ्यूएल लुब्रिकेंट मटेरियल दरकार अदर मटेरियल दरकार से बॉडी को भी न्यूट्रिएंट आउ फूड दरकार ठीक अच्छे दिस फूड कंसिस्ट ऑफ मिनरल कार्बोहाइड्रेट विटामिन फैट प्रोटीन तो ये फूड गुड़ा मिनरल कार्बोहाइड्रेट विटामिन फैट प्रोटीन सबकि था फूड रे ठीक अच्छे ताले देखो एवं पैसेज सॉल्व करवा अच्छी व्हाट सुड बी फॉलोड फॉर द बेनिफिट ऑफ ग्रेटर फिजिकल एंड मेंटल हेल्थ ताले फॉलो हेल्थ आउ ये आप कौन करेंगे फूड रूल फॉलो करेंगे ना इंस्ट्रक्शन ऑफ द एक्सपर्ट बॉडी रूल या बॉडी बिल्डिंग रूल ताले कौन फूड रूल ही फॉलो करेंगे 31 रे करेक्ट आंसर होची ए 32 व्हिच इज कंसीडर फ्यूएल एंड लुब्रिकेंट फॉर द बॉडी ताले बॉडी पई फ्यूएल आउ लुब्रिकेंट हिसाब रे हमें कहा को कंसीडर करे स्टामिना फूड रूल या एफिशिएंसी कहा को कंसीडर करे फूड को एंटोनिम्स ऑफ एफिशिएंसी तो एफिशिएंसी रो एंटोनिम्स कौन अछि सफिशिएंसी होबनी डेफिशिएंट होबनी अनएफिशिएंसी भी होबनी कौन हबो इनएफिशिएंसी ठीक अछि 33 रो करेक्ट आंसर होछि सीटा नेक्स्ट देखंतु 34 व्हाट इज रिगार्ड एज द मोस्ट पावरफुल और मोस्ट वंडरफुल इंजिन आम क्या कहवा आम माइंड को आम बॉडी को आम हार्ट को आम लाइफ को क्या कहवा आम बॉडी को आवर बॉडी पैसेज अनुसार यही मीनिंग दूसरे नेक्स्ट 35 द फूड रूल इज व्हाट वन हैज टू ईट द राइट अमाउंट ऑफ द राइट फूड एट राइट टाइम एटा थिला
राइट टाइम रे राइट फूड राइट कंज्यूम करिबा एटा ही फूड रूल। तो आई होप आपन माने क्लियर हेतिबे पैसेजटा। पांचटी क्वेश्चन थिला प्रोज रो, एबे पोएम वाला पैसेज को बुझिबा। ठीक अछि, पोएम वाला पैसेज देखंतु स्टार्ट करिबा। लिखा हिची द रोज दैट स्माइल्स टुडे थ्रो ब्यूटीफुल एंड गे विल शॉर्टली फेड अवे। ठीक अछि, पैसेज आगो पढ़ी देबा। द माउंटेन लूमिंग हाई दैट सीम्स टू किस द स्काय विल समडे क्रम्बल लाइ। नेक्स्ट होची द रोलिंग ओशन वाइड वन थिंग विल एवर अवॉइड विल वंस बी एम्प्टी एंड ड्राई। नेक्स्ट द आर्ट्स ऑफ फार्म एंड वास्ट टुडे दैट रोल सो फास्ट विल चीज टू बी एट लास्ट। नेक्स्ट होची कौन ईस्ट आर नाउ शाइनिंग ब्राइट दैट मीट थाई वंडरिंग साइट विल वन डे लूज इट्स लाइट। नेक्स्ट देखो कौन होची देन मीट्स द ग्रीप बी के फॉर लॉन्ग विल नॉट स्टे दैट विल दैट टू विल पास अवे। तो ये रहा पैसेज आम मीनिंग बुझा फास्ट रू देखु। तो फास्ट होची द रोज दैट स्माइल्स टुडे थ्रो ब्यूटीफुल एंड गे शॉर्टली फेड हुए। तो जो रोज आप देखुं स्माइल करुच्चे जोटा ब्यूटीफुल आ गे सहीटा देखिए किसी टाइम पर किसी पीरियड पर कौन हो जाए फेड हुए मानने मलिन पड़ जाए। नेक्स्ट देखो माउंटेन विषय कौन दे द माउंटेन लूमिंग हाई लूमिंग माने हूँ जोटा आप जोटे इंपोर्टाट दिखती आप लूमिंग कह जाए जो जो माउंटेनटा आप देखुं बहुत हाई दैट सीम्स टू किस द स्काय ये किस द स्काय मीनिंग हूँ जे स्काय लेवल जाए पहुँची जाए आप भावुवे इमाजिन करेंगे। विल समडे क्रम्बुल्ड हाई क्रम्बुल्ड माने हूँ ब्रेक इंटु स्मॉल पीसेस। तले आपण जो स्काय देखुचंती माउंटेन देखुचंती जोटा बहुत हाई जोटा आपण भावुचंती कि से स्काय लेवल जाए पहुँची जाऊँची सेटा दिने ना दिने कौन विल समडे क्रम्बुल्ड लाइ दिने ना दिने भांगिबो हैला। नेक्स्ट कौन जानले तले रोजटा भी जानले माउंटेन जानले बे ओसेन द रोलिंग ओसेन वाइड जो रोलिंग ओसेन मूव करथुवा ओसेन आपण देखुचंती बहुत वाइड वन थिंग विल एवर अवॉइड तले जो ओसेन तार रूल फॉलो करुची बा तार काम करुची विल वंस बी एम्प्टी एंड ड्राई दिने ना दिने से एम्प्टी आउ ड्राई हो। ताले एटी कौन जानले ए पैराग्राफ रे कि रोज दिने ना ब्यूटीफुल बाकी दिने ना दिने फेड हो। नेक्स्ट जानले माउंटेन बहुत हाई से स्काय लेवल जाए पहुँचुची बाकी दिने ना दिने से ब्रेकडाउन हो। सिमिलरली ओसेन जोटा बहुत बड़ बहुत वाइड से तार मुवमेंट करुची तार काम करुची बाकी दिने ना दिने से एम्प्टी आउ ड्राइड हो। तापर नेक्स्ट देखा लिखा ही द आर्ट्स ऑफ फार्म एंड फास्ट ये फार्म रो मीनिंग हूँ आपंकर कौन कहते ना जोटा बहुत स्ट्रॉन्ग बा सॉलिड देखुं दैट रोल सो फास्ट स्काय बहुत स्पीडली मोमेंट स्काय कहे सॉरी आर्थ बहुत स्पीडली मोमेंट करुँच मैंने तार रोटेशन चलिए दिन बाय दिन एमती कंटिन्यू अच्छे विल चेस टू बी एट लास्ट दिने ना दिने से एंड को आसो चेस मैंने कम टू एंड। तेल से आर्थ विषय कौन कहला आर्थ हूँ बहुत बड़ बहुत फास्ट बहुत सॉलिड से तार मूवमेंट करुच तार बहुत फास्ट मूवमेंट भी चलती दिने ना दिने से एंड को आसो। नेक्स्ट सिमिलरली कौन कहला इज स्टार नाउ शाइनिंग ब्राइट जो स्टार गुड़ा आप आज देखुं बहुत ब्राइट शाइनिंग मीट द वांडरिंग साइट जोटा आप फिल कर बहुत बढ़िया विल वन डे लूज इट्स लाइट ताले स्टार हेले भी से दिने ना दिने तार लाइट लूज कर। ठीक अच्छे नेक्स्ट कौन कहला द मार्ट्स सॉरी द मीट्स दे ग्रीप बी के फॉर लॉन्ग इट विल नॉट स्टे ताले किसी भी जिनस लॉन्ग टर्म पर रही है टू दैट विल पास अवे दिने ना दिने से आमको छाड़ी पड़े पास अवे मैंने डाई मैंने कौन कम टू एंड एंड रे दिने ना दिने पहुँची जीव। तो ओवरऑल आम येसेज देख लु कि भी जिनस जो गुड़ा आम आज आमको बहुत भल लगुच दिने ना दिने तार एंड रे पहुँच। ठीक अच्छे नेक्स्ट देखो कौन आसो तेल पैसेज 36-37 क्वेश्चन देखा 36 रे होची दैट जे लिखाई द एक्सप्रेशन दैट यूज इन द लास्ट लाइन ऑफ द पोएम रिफर्स टू ताले लास्ट लाइन रे दैट रो मीनिंग कौन ब्यूटी ना रोज माउंटेन ना ग्रीप ग्रीप माने कौन आपण जो कैपेसिटी बा जहाँ जितकी जिनस जानले ओसेन पढ़ले रोज पढ़ले ए टाइप रो सब जिनस माउंटेन तो से माने तांकर कैपेसिटी बा ग्रीप तांकर जो मजबूती अछि सेटा दिने ना दिने लूज करिवे सेटा लिखाई छि दैट टू विल पास अवे दिने ना दिने तारो एंडिंग आसीबो। नेक्स्ट देखंतु 37
व्हाट विल हैपन टू द माउंटेन वन डे, दिने ना दिने माउंटेन टा कौन हम गोटे गोटे पीस रे भांग क्रम्बुल यहाँ हम दे विल लाइक क्रम्बुल बी हूँ करेक्ट आंसर। नेक्स्ट देखो द रोज इज डिस्क्राइब एज रोज को आम कौन कहले ब्यूटीफुल आउ कौन कहले के तले यहाँ आप करेक्ट आंसर डी। नेक्स्ट देखो 39 आउ 40 द फाइनल मेसेज ऑफ द पोएट इज एवरीथिंग तले दिन को दिन सब जिन कौन आइबो एंड को आसीबो विल पास अवे एटा होची तार करेक्ट आंसर ए। व्हाट विल एम्प्टी एंड ड्राई कौन एम्प्टी हबो आ ड्राई हबो माउंटेन आर्थ रोज या ओशन रोज तो हबनी आर्थ भी ड्राई हबनी माउंटेन भी नहीं ओशन ही ड्राई आउ एंड हबो तो आई होप आम देख मैंने आपण मैंने बुझीपे आम मैंने कवर कलु आज हूँ क्लास नंबर 3 क्लीयर होते जदि किसी आपको अपकमिंग ऑस्टेट दरकार अलग किसी एग्जाम भी दरकार तेल आप कमेंट सेक्शन में निहाती जनइबे आउ क्लास केमती लगला निहाती कमेंट करेंगे ठीक अच्छे। तो समस्त को थैंक यू आपंकर अपकमिंग एग्जाम बेस्ट ऑफ लक आप डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम चैनल लिंक पाइबे टेलीग्राम लिंक पाइबे समस्ते टेलीग्राम चैनल ज्वाइन करने ठीक अच्छे।